सिन्हा, मैं यहाँ 1997 से हूँ। मैं यहाँ 1978 बैच में MBBS में एडमिशन लिया था और दरभंगा से मेरा संबंध 1960 से है 15-20 साल में। वैसे ही वो डॉक्टर जो एक्सरे के रिपोर्ट बनाते हैं वो भी अपना डिग्री अर्जित किया है 15-20 साल में, और उनके यहाँ रिपोर्ट ना करके किसी नौसुखियों के यहाँ चले गए और वो एक्सरे मुस्कुराते हुए किया जैसे फोटो कर रहा हो किसी का स्टूडियो में और हाथ में पकड़ा दिया, वो अच्छा रहेगा या जो रिपोर्ट करके दें आपको वो अच्छा रहेगा? मैं उस पेशेंट को समझाता हूँ कि आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से रिपोर्ट, हम लोग सिर्फ दो हैं, मेरी पत्नी है डॉक्टर अनामिका सिन्हा, वो गायनेक देखती है, और मैं हूँ फिजिशियन। मेरी बेटी अभी MD पैथोलॉजी कर रही है, हो सकता है अगर वो शादी के बाद यहाँ रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि शादी उनकी ऐसी जगह हो जहाँ की सर्जन मिल जाए मुझे और वो हमारे मंदिर में हमारे सहयोगी बने, और हम चाहेंगे कि हम इसको जहाँ तक बढ़ा सकें। लेकिन ऐसा कोई हमें मुझे लालसा नहीं है कि हमें कितना जल्दी बढ़ा लूँ, कितना ज़्यादा कमाऊँ, मुझे भगवान जितना देते हैं, 5 हो 10 हो 20 हो, मैं उस पर। हाँ, जनरल पॉपुलेशन के लिए जो दे सकते हैं उनके लिए 701 रुपये है, 701। बहुत लोग बोलते हैं कि 700 रखते, 701 क्या हुआ? तो कोई भी मंदिर में आप जाएंगे तो 500 देने का मन करेगा तो 501 देते हैं, 1000 देने का मन करेगा तो 1001 देते हैं। तो ये है इस मंदिर का, चूँकि अपना अलग है सोचने का ढंग मेरा सबसे हट के है। हाँ, जो नहीं दे सकते हैं पैसा वो उनके लिए बाध्य नहीं है कि आप इतना दे रहा है, या अगर पुराना फीस मेरा 500 था पहले, अगर वही सोच के चले हैं घर से तो वो उतना ही देंगे, मैं संतुष्ट रहूँगा। और अगर हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, मेरे कुछ नोटिस पर अगर आप ध्यान दे दें तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जो नोटिस में निकला हुआ है उस पर आप उसको आप अगर आप खुद ही इसके बारे में नोटिस को पढ़ के बताएं हमारे मित्रों को और अपने ये मिथिला मंच के मिथिला न्यूज़ के सारे श्रोताओं को बताएं तो हमें बहुत कृतार्थ फील महसूस करूँगा। प्रभात कुमार सिन्हा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज। मेरा अपना एक प्रिंसिपल है कि मैं अगर लेट से निकला हूँ या बहुत जल्दी निकला हूँ, पहला कर्तव्य मेरा है हॉस्पिटल में जाना। आप मेरे इंटरव्यू के लिए टाइम चाह रहे थे, मैंने आपको 3 बजे का टाइम दिया, चाहता था मैं आपको 10 बजे बुला करके और अच्छा से इंटरव्यू देता, आपका भी टाइम बेस्ट था और आपके जो सीनियर बॉस आने वाले थे वो भी साथ में आते। लेकिन मेरा प्रिंसिपल यही है, संडे हो या मंडे हो या होली हो दिवाली हो, एक बार जो हॉस्पिटल जाना ही है, जो पेशेंट भर्ती हमको देखना है, उनकी सेवा करना है, उनकी सेवा ख़त्म होने के बाद ही मैं यहाँ आता हूँ अपने नर्सिंग होम में, कि हर तबके के लोगों को हम सेवा कर सकें। जो ज़्यादा पैसा दे सकते हैं उनके लिए सुपर डिलक्स, जो कम मीडियम पैसे वाले देने वाले हैं तो डिलक्स, जो हम कम और देना चाहते हैं उनके लिए सेमी डिलक्स, जो बहुत निर्धन हैं गरीब हैं उनके लिए जनरल वार्ड भी रहेगा, जो थोड़ा वो देने की स्थिति में होंगे वो दे सकते हैं, और अन्यथा जो अति निर्धन हैं असहाय हैं जिनके घर में कोई नहीं है या कोई ऐसी बेवा हैं जिनके बच्चे भी नहीं हैं, अनाथ हैं और बेसहारा हैं, इन लोगों के लिए मेरे यहाँ ये नियम है कि उनसे फीस नहीं ली जाएगी। अरे हम सोच रखे हैं कि लोग जनरली हम देखते हैं कि हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी नर्सिंग होम, हर जगह कोना में रखते हैं कि स्टोव जला के और कुछ लोग खाना बनाने में इंगेज रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो तीमारदार मतलब कि जो अटेंडेंट आए हैं वो सारे हमारे पेशेंट को हेल्प करें, ना कि कोई खाना बनाने, सुबह का नाश्ता, रात का खाना, चाय, ये सारी व्यवस्था मैं अपने करके रखूँगा ताकि उनको बस सिर्फ लेना है और खिलाना है, और अगर खाना पसंद आए तो उनके लिए नॉन वेज वेज हर तरह की व्यवस्था होगी। और दवा का क्या फैसिलिटी सर रहेगा? दवा का एक दुकान रहेगी जहाँ पर कि एक भी पैसा आपसे अगर ले लेता है, ज़्यादा अगर ले लेता है, तो उसके लिए हम हैं एक्शन लेने के लिए। हम अपने आप को नियंत्रण करते हैं और अपने आप पर भी नियंत्रण करते हैं और हमारे सराउंडिंग में जितने लोग हैं उन पर भी बड़ा नियंत्रण पूरा रहता है। तो ये मैं नियंत्रित करता हूँ। अपने यहाँ हमारे यहाँ ECG होता है, जैसे अगर ECG अगर किसी ने खराब सही कर दिया कोई टेक्नीशियन, तो अगर 3 बार खराब किया है तो 3 बार, 4 बार खराब किया तो 4 बार, उसको बार बार करना है जब तक कि वो सही निकलता नहीं है रिकॉर्डिंग। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे जो भी पेशेंट हैं वो अच्छे जगह से रिपोर्ट लाएँ, रिपोर्ट का मतलब हो एक डॉक्टर का रिपोर्ट लाएँ, ना कि किसी नौसुखियों कंपाउंडर का रिपोर्ट लाएँ। और नौसुखियों कंपाउंडर को रिपोर्ट लाने के लिए बहुत लोग यहाँ पर लाभान्वित रहते हैं जिनका अपना इंटरेस्ट रहता है,
उनको हम कहते हैं वो पंडा है, ये मंदिर में अब आए हैं बाहर निकलेंगे तो पंडा है। जितना खराब लैब में जाइएगा उतना ज़्यादा कमीशन खाएंगे उनसे जो साथ में लेके आए। तो मैं ये दलाल वर्ड बहुत खराब है लेकिन दरभंगा में ये पूरा फैला हुआ है, इनको हम कहते हैं पंडा। हमने पंडा से सावधान रखिए, आप जहाँ से रिपोर्ट लाइए जो क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट है उनका लाइए, जो एक्सरे का रिपोर्ट ला रहे हैं जो क्वालिफाइड एक्सरे में है। जैसे मैं अगर 20-25 साल में 20 साल में बनता हूँ एक या 18 साल में या एक MBBS MD FCGP और साथ में उसके बाद FAIMS और PhD मेडिसिन और फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन FICP। अभी मेरा क्लिनिक तो जैसे हॉस्पिटल रोड में अभी भी है अपने माता पिता के नाम पे। मेरे पिताजी डॉक्टर बालेश्वर बाबू थे, डॉक्टर थे जो कि यहीं से पास किए थे काफ़ी बहुत साल पुराने, हमारे आदर्श वही हैं। उनके देहांत होने के बाद मेरे मन में था कि उनके नाम पर मैं एक मंदिर बनाऊं, हॉस्पिटल नहीं एक मंदिर बनाऊं। और मेरी माता जी का पिता का देहांत हुआ है 1999 में, तो हमने माता जी को कहा था कि माता जी मैं पिताजी के नाम पर एक मंदिर बनाऊँगा जिसका फीता आप काटिएगा। और अंतिम दिन भी मैं माता जी से ही बात कर रहा था कि आपको फीता काटना बाकी। माता जी ने कहा कि अब हमको कोई काम नहीं बचा है, हल्का फुल्का बीमार थी और हम चले भी जाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा था कि नहीं, काम मेन काम बाकी है आपका, आपका बेटा जब अपने पिता के नाम पर जब मंदिर बनाएगा उसका उद्घाटन आप ही करना, फीता आप ही काटना। और ये कहते सुनते सुनते उनका देहांत हो गया 2008 में। तो अब माता पिता दोनों के नाम पर मैंने एक मंदिर बनाया है, यह हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ गरीबों की सेवा हम करके हम खुश होते हैं। इसका नाम है किशोरी बालेश्वर मंदिर, ये कोई हॉस्पिटल नहीं, नर्सिंग होम नहीं, क्लिनिक नहीं, किशोरी बालेश्वर मंदिर इस जगह का नाम है। इसमें ICU सब सर कितना है फीस? ICU बेड? अच्छा, ICU हमारे यहाँ 10 हम रखे हैं। अभी ये जैसे जैसे हमारी इनकम हो रही है अब मैं इसको बना रहा हूँ, और पुराने वाले जो किराया पर मैं ले रखा हूँ अभी फ़िलहाल उसी में पेशेंट भर्ती करता हूँ। इसमें पेशेंट भर्ती करना नहीं शुरू किया हूँ, ये मुश्किल से अभी कुछ ही दिन पहले इसमें हमने आउटडोर शुरू किया है। मेरा प्लानिंग है कि सेकेंड फ्लोर जो है या सॉरी फर्स्ट फ्लोर जो होगा, ये तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर जो होगा उसमें ICU होगा 10 बेड का, जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी 24 आवर्स के लिए, और उसमें प्राइवेट रूम्स होंगे डिफरेंट टाइप के। और मैडम हमारे चूँकि गायनेकोलॉजी में अपना प्रैक्टिस करती हैं तो एक अच्छा सा ओटी रहे, रिकवरी रूम रहे, और गायनी के प्रैक्टिस के क्रम में जो बच्चे उनके यहाँ होंगे पैदा होंगे ऑब्स्टेट्रिक के प्रैक्टिस के रूप में, तो उनके प्रैक्टिस जो बच्चे सीरियस होंगे उनके भर्ती के लिए भी व्यवस्था होगी, नियोनेटल यूनिट होगा। ये हमारा प्लानिंग है, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी धीरे धीरे सब कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। उसके ऊपर जाएंगे अगर आप तो फिर वहाँ भी बेड है, बेड या से ए ग्रुप ऑफ वायरसेस इज ओमिक्रॉन, अकेला वायरस नहीं है वो, इसमें सब टाइप्स हैं। जैसे आपको याद करने के लिए या लेमैन को समझने के लिए, जो कोई भी BA किया होगा उसको पता होगा, या घर में कोई बच्चा BA कर रहा हो पता होगा कि BA तीन पार्ट में होता है, BA Part 1, BA Part 2, BA Part 3। मिश्रा जी आपको भी पता होगा कि BA जो करते हैं लोग तो बोलते हैं कि हम किस में हैं, तो BA Part 1 में है, BA Part 2 में है, BA Part 3 में। यहाँ BA की यहाँ मैं आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए खास करके मैं बता रहा हूँ कि ओमिक्रॉन भी BA.1, BA.2, BA.3 या .3, ये तीन मेन रूप में अभी हमारे समाज में फैला हुआ है ओमिक्रॉन। कलकत्ता में जो फैल रहा है वो BA.2 है, कलकत्ता खास करके, बाकी सब में बाकी जगह जो इंडिया में है वो BA.1 है या BA.3 है।